शुभमन गिल ने अपने वनडे करियर का जड़ा चौथा शतक, दिखाएंगे पूरा वीडियो। उससे पहले अगर आप भी शुभमन गिल को एक खतरनाक धाकड़ बल्लेबाज मानते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, शुभमन गिल सबसे तेज 4 वनडे शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को लगातार तीसरे वनडे मैच में भी पीट दिया है। उन्होंने इंदौर में खेले जा रहे तीसरे मुकाबले में कीवी गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए अपने वनडे करियर का चौथा शतक जड़ दिया है। गिल ने पिछले 9 दिनों में तीसरी बड़ी पारी खेली। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में उन्होंने 208 रन बनाए थे और उससे पहले श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में गिल ने 116 रन की लाजवाब पारी खेली थी। इस समय गिल का बल्ला आग उगल रहा है, उन्हें रोकना किसी भी गेंदबाज के बस में नहीं है। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए भी वो पहेली ही बने रहे। इंदौर में तो उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। गिल ने अपना अर्धशतक 33 गेंदों में पूरा किया था, जिसे वो शतक में बदलने में सफल रहे। दोस्तों, धाकड़ बल्लेबाज शुभमन गिल ने 26वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने 72 गेंदों पर 100 रन पूरे किए। इस दौरान गिल ने 13 चौके और 4 छक्के लगाए। शुभमन गिल 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले विराट कोहली भी इस कमाल को कर चुके हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज कोहली ने तीसरे वनडे में 112 रन की पारी खेली। उन्होंने 78 गेंदों पर 13 चौके और 5 छक्के लगाए। शुभमन गिल इस साल 3 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि धाकड़ बल्लेबाज शुभम गिल अगर एक रन और बना लेते हैं तो बाबर आजम का रिकॉर्ड भी तोड़ देते, लेकिन फिर भी इस मामले में पाकिस्तान के बाबर आजम की बराबरी कर ली है। बाबर आजम ने 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में 360 रन बनाए थे। इस सीरीज में शुभमन गिल ने विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब शुभमन गिल भारत के लिए 3 मैच की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। हर तरह की क्रिकेट अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें।